ओम शांति। हम सभी जरा अपने भाग्य को देखकर आनंदित हो जाएं। हम इन आंखों से देख रहे हैं कि भगवान कैसे आकर इस धरा पर अपना कार्य करता है, इस संसार को बदलने की, कलयुगी कांटों के जंगल को सतयुगी फूलों का बगीचा बनाने की। उसकी गॉडली मिशनरी कितनी वंडरफुल है, इसको समझना भी अति गुह्य है। कैसे वे प्रकृति को बदलते हैं, वायुमंडल को बदलते हैं, मनुष्यात्माओं को बदलते हैं, और पाप की दुनिया का विनाश कैसे योग बल से करा देते हैं। हम ब्राह्मण वत्स ही इन रहस्यों को नंबर वार समझते हैं। इसी कार्य में हम भी उनके परम सहयोगी हैं। वो हमें शक्तियां देते हैं, हम संसार में वाइब्रेशंस फैलाते हैं, वे हमें पावन बनाते हैं, हम पवित्रता के वाइब्रेशन से प्रकृति और वायुमंडल को सतो प्रधान बना देते हैं। उनसे हमें शांति मिलती है और हम सारे संसार में शांति के वाइब्रेशंस फैला देते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है कि इस ईश्वरीय महान और दिव्य और सूक्ष्म कार्य में हम सच्चे मन से उनके सहयोगी बने। धन देने वाले भी बहुत आते जाते हैं। पाता की सेवा करने की शक्ति तो सब में आ गई है, लेकिन अपनी मनसा शक्ति के द्वारा, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा संसार में श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाना इसकी परम आवश्यकता है। हम संकल्प करें, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ये हो गई हमारी कल्याणकारी वृत्ति। मुझे सर्व आत्माओं का कल्याण करना है, मुझे सबके दुख दर्द दूर करने हैं। ये हो गई हमारी शुभ वृत्ति। मुझे इस प्रकृति को भी पावन करना है, ये हो गया हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य। तो हम क्या करेंगे, योगयुक्त होकर स्वमानधारी बनकर संकल्प करेंगे, मेरे मस्तक से आत्मा से चारों रंग बिरंगी पिचकारी पड़ रही है, गुलाबबासी हो रही है, सुख शांति की, पवित्रता और प्रेम की शक्तियों की। सभी के चित्त शांत होते जा रहे हैं। योगयुक्त होकर अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं चारों ओर, प्रकृति सतो प्रधान बन रही है। इन पवित्रता की शक्तियों से, पवित्रता के वाइब्रेशन से, जिनमें की हीलिंग एनर्जी है, सभी के रोग मिट रहे हैं। वर्तमान समय हमारी सकास की संसार को बहुत बहुत जरूरत है। विशेष रूप से बहुत मनुष्य आत्माएं कमजोर होने के कारण, मनोविकारों के कारण, काम वासना की अति के कारण, मानसिक रूप से अति दुर्बल होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। हम उन्हें श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उनके मन को अमन और चैन देंगे, क्योंकि उनमें ये सब शक्ति नहीं रही है कि वे अपने को संभाल पाए। हम देख सकते हैं संसार में डिप्रेशन बढ़ता जाता है, सेंसिटिविटी बहुत बढ़ रही है, जिस कारण मनुष्य के अंदर सहन शक्ति का अभाव होता जा रहा है। अनेक युवक मानसिक रूप से पीड़ित नजर आते हैं, बहुत कम युवक खुश हैं, प्रसन्न हैं, नहीं तो अनेक लोग किसी न किसी कारण से दुविधा में हैं, निगेटिविटी में हैं, परेशान रहते हैं। हमें उन्हें सकास देकर उनकी मदद करनी है। तो आज सारा दिन हम इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ,
मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, पवित्रता का देवता हूँ, देवी हूँ, और मुझसे निकले हुए वाइब्रेशंस सारे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। चलते फिरते भी अभ्यास करेंगे, मानो पूरा कल्प वृक्ष ही हमारे सिर के ऊपर है और ये वाइब्रेशंस सारे में फैल रहे हैं। ओम शांति।